लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान कल, सातों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा मोदी को गाली देना कांग्रेस का काम, विकास का क ख ग घ भी कांग्रेस को नहीं मालूम। पीएम मोदी बोले झारखंड का नाम आते ही जेल में सीएम याद आता है, नोटों का पहाड़ याद आता है, घोटाले याद आते हैं, कांग्रेस ने झारखंड को हर मौके पर लूटा। रैली में पीएम मोदी ने पूछा सवाल, बरामद नोटों के पहाड़ के पैसे किसके थे बताएं, वो जनता के हक का पैसा है, जनता के पैसों को बर्बाद करवा रहा मोदी, नोटों का पहाड़ जनता को लौटाएगा मोदी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने रैली की, टीएमसी पर बोला हमला, बंगाल की महिलाओं का टीएमसी से भरोसा टूटा, शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को दोषी ठहरा रहे। पीएम मोदी बोले वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएम ममता इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा आश्रम के सन्यासियों को धमका रही है, जनता इसका जवाब दे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी की भाषा पर जताई आपत्ति, कहा पीएम कर रहे इंडी गठबंधन देश को कर देगा दिवालिया, जबकि पीएम मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए किए। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना पर बोले रामगोपाल यादव, ये योजना जन कल्याण का काम, जबकि पीएम मोदी ने केवल जनता के पैसे को लूटा। प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, बोले इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने रैली की, बोले ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच, जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फूलपुर में सीएम योगी ने रैली की, बोले पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार विपक्ष के अंदर हार की बौखलाए। बस्ती में बसपा प्रमुख मायावती ने रैली को संबोधित किया, सपा पर साधा निशाना, बोली सपा ने दलितों और आदिवासियों कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, बोले मजबूत सरकार है मजबूर सरकार नहीं। जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना, रैली में बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार को ताला लग गया। ईडी सीबीआई पर अखिलेश के बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, अखिलेश यादव ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, या तो इन्होंने कोई घोटाला किया या उनका भ्रष्टाचारियों से संबंध। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की पोस्ट, लिखा मीडिया इन्फ्लुएंसर मुंबई ट्राडॉन को कर्नाटक पुलिस ने किया अरेस्ट, कांग्रेस घोषणा पत्र की आलोचना करने पर की गई गिरफ्तारी। दिल्ली में उत्तराखंड सीएम धामी ने की रैली, नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बासुरी स्वराज के लिए मांगे। पटना में बोले तेजस्वी यादव, इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीट लाने जा रहा है, पूरी तरह से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकेगा। तेजस्वी यादव ने कहा हम लोगों को जनता का प्यार मिल रहा है, बोले प्रधानमंत्री लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, इनकी बात का कोई मतलब नहीं, उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर इन्होंने कुछ काम किया तो बताएं। मंडी में बोली बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, एक्ट्रेस के तौर पर मिले नेशनल अवार्ड पद्मश्री, मेरे काम के लिए एमपी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर होगी खुशी। कश्मीर में कम वोटिंग परसेंटेज पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, ये मेरी उम्मीदों से बेहद कम, मुझे 70% मतदान की थी उम्मीद। बैरकपुर में पोलिंग पार्टियां मतदान उपकरणों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना, कल बैरकपुर में होगा मतदान। स्वाति मालीवाल केस में सबूतों की तलाश तेज, सीएम हाउस का सीसीटीवी और डीवीआर जब्त, तो बीजेपी का अटैक, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं किया गया डिलीट। दिल्ली में केजरीवाल का मार्च खत्म, पुलिस ने आप नेताओं को बीजेपी हेडक्वार्टर जाने से रोका, सभी कार्यकर्ता वापस आप हेडक्वार्टर लौटे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन, केजरीवाल ने पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर के लिए किया मार्च। केजरीवाल के मार्च में आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद और पार्षद शामिल, बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता जुटे। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले आप हेडक्वार्टर में सभा, सीएम केजरीवाल के साथ संजय सिंह, राघव चड्डा मौजूद, आतिशी गोपाल राय समेत सभी बड़े नेता शामिल। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा पीएम का आपको खत्म करने का इरादा, बीजेपी ऑपरेशन झाड़ू चला रही, आपकी प्रोग्रेस से बीजेपी को दिक्कत। केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा ऑपरेशन झाड़ू में आपके बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जल्द ही आपके अकाउंट को भी सीज किया जाएगा, आप दफ्तर पर भी करवाया जाएगा खाली। केजरीवाल का पीएम मोदी पर सीधा अटैक, का जो भी हो रहा वो पीएम मोदी करवा रहे, पूछा आरक्षण शराब घोटाला हुआ तो पैसे कहां गए, ये लोग एक चवन्नी तक बरामद नहीं कर पाए। स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोले सीएम केजरीवाल, केवल विभव की गिरफ्तारी पर बोले मेरे पीए को गिरफ्तार किया गया, अब राघव आतिशी को गिरफ्तार करने की कोशिश। आपके प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, महिला सांसद को सीएम हाउस में सीएम का स्टाफ पीट रहा, खुद कोई कार्रवाई नहीं करते, केजरीवाल का मॉडल कौन सा है। बीजेपी दफ्तर के बाहर केजरीवाल के प्रदर्शन पर बोले संजय राउत, केजरीवाल ने इस आंदोलन का जिक्र किया है तो ये आंदोलन बहुत अच्छा है, 4 जून को सरकार बदलने वाली है। केजरीवाल के प्रदर्शन को लेकर बोले सलमान खुर्शीद, मौजूदा पीएम को सीधे चुनौती देना आसान बात नहीं, केजरीवाल को लोगों का समर्थन मिलेगा।
केजरीवाल के बयान पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, इस तरह की धमकियां देने का मतलब है कि वे खुद हताश और विचलित। केजरीवाल के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, केजरीवाल को जितना ड्रामा करना है कर लें, अपराध और भ्रष्टाचार करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, केजरीवाल एक्सपोज हो चुके। आतिशी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली मोदी को केजरीवाल के कामों से डर लगने लगा है, पीएम मुफ्त बिजली अच्छे स्कूल नहीं दे सकते इसलिए वे आपको खत्म करना चाहते हैं। सत्य मालीवाल केस में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल के पीए वैभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की मांगी थी रिमांड। वैभव की रिमांड मिलने के बाद सिविल लाइन्स थाने ले गई पुलिस, कोर्ट ने रिमांड के दौरान वकील और परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी। मालीवाल केस में पुलिस सबूत मिटाने की धारा 201 भी जोड़ सकती है, सूत्रों के मुताबिक जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आरोपी वैभव। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले गिरफ्तारी के समय शेख शाहजहां की तरह मुस्कुरा रहा था आरोपी वैभव, शेख की तरह वैभव के सर पर भी है सीएम का हाथ। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर केजरीवाल पर साधा निशाना, बोली कभी निर्भया को इंसाफ दिलाने सड़कों पर निकले थे, आज सीसीटीवी फुटेज गायब करने वालों को बचा रहे हैं, काश सिसोदिया के लिए इतना जोर लगाया होता। मालीवाल केस पर बोली आतिशी, ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी ने रचा और मालीवाल को इसका चेहरा बनाया, पुलिस भी बीजेपी के आका के इशारे पर काम कर रही है। नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले वो सिर्फ चुनाव को लेकर टिप्पणियां करते हैं और महिलाओं को पीटते हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले मालीवाल की सीएम हाउस में पिटाई कैसे हुई, इस पर जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल, जबकि केजरीवाल की पुरानी खास सहयोगी रही है मालीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले पूरा देश चाह रहा है कि देश से तानाशाही खत्म हो, बीजेपी को स्वाति मालीवाल की तरफ से संजीवनी मिली। मालीवाल केस पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, मालीवाल और विभव में क्या हुआ जांच के बाद ही पता चलेगा सच। पूर्वी दिल्ली सीट से आप उम्मीदवार कुलदीप ने साइक्लोथॉन में लिया हिस्सा, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी हुए शामिल, बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा से होगा मुकाबला। मालीवाल केस पर बोले आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार, ये एक साजिश, पीएम ऐसी साजिश रचने के बजाय पूरी आम आदमी पार्टी को ही जेल में डाल दें।